नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2022 की कि लास्ट का जो एक महीना है इसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अपियरिंग है, जो पहली बार रीट देंगे या फिर जो पिछली बार रीट दी थी और उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने खुद ने पिछली बार क्या है अपियरिंग में रीट दी थी, तो क्या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपियरिंग स्टूडेंट होते हैं या फिर जो नए स्टूडेंट होते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसा पेपर आएगा, वो सब मैं डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वीडियो क्या अपियरिंग वाले और जिनको क्या पिछली बार में क्या कम नंबर आए थे उन स्टूडेंट के लिए हैं, जो जो ज्ञानी स्टूडेंट हैं वो दूर रह सकते हैं वीडियो से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कि अब लगभग एक महीना बचा है, तो लगभग सबने क्या है एक बार तो सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो अब आपको क्या है ज़्यादा जोर नहीं देना है और सिर्फ रिविजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस बार आपके इतना फ़ायदा है जो नए स्टूडेंट हैं उनके कि इस बार आपको 120, 25, 30 नंबर नहीं लाने हैं। इस बार आपको क्या मिनिमम जो आप आंकड़ा मान सकते हो 90 का वो क्रॉस करना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज छूट भी है इसमें, जैसे ओबीसी के 83% है, तिरासी नंबर है तो वो आप देख लेना, लेकिन आप 90 मान के चलो जो एक जनरल का 60% का है, ठीक है। अब देखो कि कौन सी बुक अभी जो लास्ट टाइम में आपके लिए रिविजन में काम आ सकती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो एक कलाम अकेडमी के जितने भी जो परीक्षा विशेषांक आ रखे हैं ये आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो ये बुक है आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये लगभग 100 पेज की बुक है, ठीक है। लगभग 100 पेज की बुक है और इसमें लगभग पूरी साइकोलॉजी कवर है, और इस बार आपको 120-30 नंबर ही नहीं लाने, जो आपको क्या है अच्छे से पढ़ना होगा। लास्ट के एक महीने आपको अब रिवीजन पर ध्यान देना है, और पिछली बार मैंने ये खुद बुक यूज ली थी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। तो ये जो कलाम एकेडमी की परीक्षा विशेषांक है ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास में। पिछली बार मैंने लास्ट के एक महीने यही पढ़ी थी और फिर भी मेरे 128 नंबर आए थे, ठीक है पूरे। तो इस बार तो इतने नंबर लाने ही नहीं है, इस बार तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से, इसमें पूरा मटेरियल है, बस क्या पेज इसमें लगभग 100 के आसपास है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर रिवीजन करना चाहते हो आप तो इससे बेस्ट आपको बुक नहीं मिलेगी। कलाम अकेडमी का जो मटेरियल है रीट का वो सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल है, तो आप थोड़ा सा ये बुक देख सकते हो, ठीक है। अच्छी लगे तो ले लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यही लेनी है, लेकिन ये बेस्ट बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या है जैसे मैथ का स्टूडेंट है या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करके आ रहे हैं उनकी क्या मैथ तो स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो साइंस मैथ में अगर मैथ का अगर आपको आ रहा है पार्ट तो आपको इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा उसी चीज़ पर ध्यान देना है इस वक्त जो आपकी कमज़ोर है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज, खास करके जो सेकेंड लैंग्वेज है वो क्या बहुत हार्ड आती है, पेपर में लेवल भी अच्छा आता है सेकेंड लैंग्वेज का, चाहे आपके संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। इंग्लिश वाले तो फिर भी थोड़ा सा इजी रहते हैं, लेकिन संस्कृत सेकंड लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और नए स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा रहता है। तो जो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है या फिर जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको औरों के मुकाबले, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है सेकेंड लैंग्वेज पर, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपके संस्कृत हो, ठीक है। और साइकोलॉजी आप रिविजन के टाइप से ये परीक्षा विशेषांक पढ़ सकते हो। फिर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ वाले, और उनको अगर आपने क्या है अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लगभग एक बार क्या सिलेबस पूरा कर लिया, तो अगर आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है तो ये जो आपके पास बुक दिख रही है बायो की अलग से आती है, और ये एक दूसरी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग से आती है, तो ये दो बुक आप ले सकते हो। ये भी परीक्षा विशेषांक है, ठीक है, परीक्षा विशेषांक है ये भी। तो ये दोनों बुक आप क्या है साइंस के स्टूडेंट को अगर बायोलॉजी उसकी कमज़ोर है, फिजिक्स केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैथ वाले को लगभग क्या है बायोलॉजी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो ये आप ले सकते हो। देख आप कवर देख लो एक बार, परीक्षा विशेषांक का है ये, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर पढ़नी हो तो ये अलग से आप ले सकते हो, दोनों की अलग अलग बुक है, बायो की अलग से है और फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग से है, ठीक है। ये क्या है आपकी एक बुक है जो क्या है टीचिंग मेथड की है, लेकिन ये बुक थोड़ी सी बड़ी है, तो आप टीचिंग मेथड अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी टीचिंग मेथड की आप और भी बुक ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो परीक्षा विशेषांक है कलाम एकेडमी के, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी जो परीक्षा विशेषांक आ रहे हैं ये देखो, जैसे राजनीति विज्ञान का, ये अलग अलग, अगर किसी का जिक्के कमज़ोर है SST वाले स्टूडेंट्स का, आर्ट्स वाले का, तो वो क्या है जो राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब के क्या परीक्षा विशेषांक आ रखें तो वो आप ले सकते हैं। एक बात और, जो सेकेंड ईयर अपियरिंग स्टूडेंट है वो 100% शामिल होने वाले हैं रीट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस बार दो पेपर होंगे और फर्स्ट पेपर में कोई डिपेंड नहीं करता है रिजल्ट आना नहीं आना। जो सेकंड पेपर होगा उससे पहले आपका बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और वो आपकी आराम से इजीली हो जाएगी, क्योंकि सेकंड पेपर जनवरी लास्ट तक
संभावित है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये बुक आप लास्ट के एक महीने पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले आप, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बुक स्टोर पर जाओ, पहले देखो कि किस हिसाब की है। इनसे बेस्ट बुक आपको जो है रिव्यूजन में नहीं मिल सकती, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। तो आप देख लेना ये बुक, प्लस आपको उन्हीं चीज़ों पर अब ज़्यादा ध्यान देना है जो आपकी क्या वीक है, ठीक है। जो चीज़ें आपकी वीक है, यानी कि थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है उनमें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर एक मैथ का स्टूडेंट मैथ पढ़ रहा है बार बार और उसको वो आ रही है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैथ आ रही है और आप मैथ ही पढ़ रहे हो। इससे अच्छा आप जो, आपको अगर बायो नहीं आ रही तो बायो पढ़ो, आपको टीचिंग मेथड नहीं आ रहा तो टीचिंग मेथड पढ़ो, साइकोलॉजी कम आ रही है तो साइकोलॉजी पढ़ो। यानी कि जो आपको कम आ रही है वो ज्यादा ध्यान दो उस पर, प्लस रिवीजन करते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बार सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होना वाला इस पेपर से, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी आप ऐसे मान के ना चले कि आप, अब सब क्या कमेंट करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाई नंबर कितने, एसटी के कितने, एससी के कितने, ओबीसी के कितने। तो अगर आप मान लो कि ओबीसी के 83 है, तो क्या आप 83 का टारगेट लेके थोड़ी ना चलोगे? आपको कम से कम 100 प्लस का टारगेट तो रखना ही होगा, ठीक है, कि 100 तो क्रॉस कर ही लूंगा। ऐसे थोड़ी है कि 83 का मिनिमम 83 है पूछ लेते हैं और मैं पूरे पूरे 83 लाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो आते आते गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ना सोचें मिनिमम कितना है, मिनिमम को आप गोली मारो और डायरेक्ट याद रखो कि 100 तो क्रॉस करनी है कैसे भी हो जाए। अगर 90 आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं, तो वो आपकी क्या है, फिर भी क्वालिफाई हो जाओगे आप। लेकिन अगर आप मानकर 83 का चलोगे, 83 आने हैं, 85 लाने हैं या फिर 90 लाने हैं, तो फिर क्या आपके 90 आ पाएंगे? और इतना इजी भी नहीं है पीरिंग वालों के लिए। पिछली बार का पेपर का लेवल इजी था, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या है 90-95 का आंकड़ा ही नहीं छू पाए थे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। पिछली बार भी लगभग 8 लाख में से शायद तक 4 लाख कुछ हजार के पास हुए थे, वो भी क्या है कैटेगरी वाइज छूट होने के बावजूद। अगर सबका पिच जैसे 2018 में सबका 90 नंबर था, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत कम पास होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट अपने वीक जोन पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि आपको जो चीज़ आ रही है वही वो बार बार पढ़ोगे तो आप क्या है वहीं के वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो जो वीक जोन है आपका, उसी पर ज़्यादा ध्यान दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी मैं आपको थोड़े दिनों बाद में और बता दूंगा। धन्यवाद। और एक बात और, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पिछली बार मैं खुद क्या 4 महीने पढ़कर 128 नंबर ले आया था, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये तो आ ही नहीं रहा, सेकंड लैंग्वेज इतनी हार्ड है, हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। आपके अंदर अगर मतलब लड़ने की या फिर करने की हिम्मत है, तो आप इजीली 100 नंबर क्रॉस कर लोगे। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।